नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। पिछले शुक्रवार से उदयपुर जिले के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश के होने से घरों में सीलन आ चुकी है, वहीं लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। खेतों की बात करें तो किसानों को जो है नुकसान हो रहा है। हवाओं के चलने से फसलें जो है खेत में बिछ गई है, वहीं खेतों के अंदर पानी भरा होने से किसानों को नुकसान होने का पूरा अंदेशा है। इससे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बात करें उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इधर जो वाकल क्षेत्र है, जिसमें वाकल नदी बहती है, उस क्षेत्र में नदी नालों में से लोग पानी पीने को मजबूर है। आदिवासी सुदूर इलाकों में हैंडपंप नहीं है, पनघट योजना नहीं है और जल जीवन मिशन के तहत भी काम बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। ऐसे में लोग जो है परंपरागत तरीके से पानी यहाँ पर पीते हैं। परंपरागत तरीका क्या है? लोग बाग नदी नालों में जाते हैं और उनके किनारों पर गड्ढे खोदकर उसमें जमा होने वाले पानी को पीते हैं। तो जब बारिश नहीं होती है, नदी नालों में पानी नहीं बह रहा होता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन बारिश के दिनों में जब बारिश का बहुत ज्यादा मात्रा में पानी वहां पर आ जाता है, तब वो गड्ढे भी जो है पानी से, दूषित पानी से भर जाते हैं और ऐसे में वो पानी जो है शुद्ध नहीं रह जाता है और उससे पीने से खास तौर पर उल्टी दस्त की जो है समस्या लोगों को होने लगती है। तो एक तो घरों में सीलन है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, इसके साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। तो बात करें गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में तो अम्बावा, पाडलो का चोरा, पड़ावली कला, पड़ावली खुर्द, वास, मादड़ा, ये जो ग्राम पंचायतें हैं, इनके गांवों में खास तौर पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। विगत 6 दिनों में इन ग्राम पंचायतों के गांवों में आधा दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी है। और रहने वाला और मेरा नाम, बच्चा का नाम है अनिल है और 9 साल का बच्चा था और वो अचानक उल्टी दस्त और पेट में दुख वाला गंभीर रूप से घायल हो गया और उदयपुर लेके गया था PHC में और होटल इलाज चालू था और तो घटना हो गई और मतलब डेथ हो गई। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी मिली और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में मालूम पड़ा, तो उन्होंने यहाँ पर टीमें भेजी है और घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। गोगुंदा SDM डॉक्टर नरेश सोनी ने बताया कि घर घर सर्वे करवाया जा रहा है और MO को खास तौर पर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं ताकि वो गंभीर रोगियों के ऊपर निगरानी रखें। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगी ने जी है वो घर घर जाकर सर्वे कर रही है कि किन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। छोटे बच्चे जो है यहाँ पर वो बीमारी से ज्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में आधा दर्जन से जो ज्यादा मौतें हुई है वो बच्चों की ही मौतें हुई है। गोगुंदा से उदयपुर रेफर करता हूँ रास्ते में, हॉस्पिटल लेके प्रशासन इसको लेके अलर्ट मोड पे है। विगत 3 दिनों से यहाँ पर जो है घर घर पे जो जाकर जो है सर्वे किया जा रहा है और जिनमें बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें उपचार प्रदान किया जा रहा है। बुधवार को यहाँ पर CMHO डॉक्टर GM सैयद और डिप्टी CMHO डॉक्टर OP रायपुरिया, BCMHO डॉक्टर दिनेश कुमार सहित चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और उन्होंने भी घर घर जाकर जायजा लिया। इन्हीं के साथ SDM डॉक्टर नरेश सोनी और तहसीलदार ओम सिंह लखावत भी अम्बावा ग्राम पंचायत और प्रभावित क्षेत्र में गए, वहां पर दौरा किया और लोगों से बातचीत की, बीमारी के बारे में जाना और उनका खान पान क्या है, इन दिनों में पानी कहां से पी रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी जुटाई। डॉक्टर नरेश सोनी ने बताया कि यहां पर 7 हैंडपंप स्वीकृत है जिनको जल्दी ही यहां पर लगाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब तक हैंडपंप नहीं लग जाते हैं तब तक के लिए BDO को निर्देश दिए हैं कि लोगों को टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। दरअसल पानी जो है सबसे बड़ा रीजन है कि अगर दूषित पानी पिया जाए इन दिनों में तो स्वास्थ्य के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में पेयजल की व्यवस्था के लिए टैंकर से सप्लाई करने की बात कही जा रही है और साथ ही यहां के जनप्रतिनिधियों को खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। मैंने तो जुलाई में ही बता दिया था कि यहां पर पेयजल की समस्या है और इसके कारण इन क्षेत्रों में जो है हर बार मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहता है।
रहता है। ऐसे में जन प्रतिनिधियों को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर पानी की टंकी पनगट जैसी व्यवस्था कर दी जाए। चैलेंज ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बल्क में नहीं रहते हैं, जैसे आमतौर पर गांव होते हैं वैसे यहाँ गांव नहीं होते हैं। अगर आप इन इलाकों में पहुंचेंगे और गांव को ढूंढेंगे तो गांव नहीं मिलेंगे। यहाँ पर पहाड़ियां हैं और अलग अलग पहाड़ियों पर अलग अलग घर, कुछ कुछ घर रहते हैं, मतलब दो तीन घर ही एक साथ में होते हैं। ऐसे में वहां तक जल जीवन मिशन के तहत तो हर घर में नल पहुंचाना बहुत ही जो चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन ये जरूर है कि सड़क के किनारे कहीं कहीं पर पानी की टंकियां लगाई जा सकती है ताकि लोगों को पानी सुलभ हो सके। साथ ही हम सबकी ये जिम्मेदारी है, देखना ये चाहिए कि आखिरकार बीमारियां किससे होती है। ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आप तो इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग प्रभावित होते हैं उन लोगों तक तो ये वीडियो भी नहीं पहुंच पाते हैं, ये समाचार भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में गांव वालों की सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम सायरा की जो बात करें तो विस्मा ग्राम पंचायत, चित्रावास, कड़ेच, रावच, इन पंचायतों में पानी की जहां जहां समस्या है वहां के लोग नदी नालों से पानी लाके पीते हैं, तो इन दिनों वहां पर जो है खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि वो एक तो शुद्ध जल पिए और जहां से भी वो जल ला रहे हैं तो उस जल को गर्म करने के बाद जब वो वापस ठंडा हो जाता है तब उनको वो पिए। प्रशासनिक अधिकारी भी ये अपील कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग के लोग भी घर घर जाकर ये समझाइश कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस ग्राम पंचायत में जो वार्ड पंच गण है, जन प्रतिनिधि है या सरकारी कर्मचारी और पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन सबको मिलकर जो है गांव के लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि लोग अशुद्ध पानी ना पिए, ताकि वो बीमारियों से बच सके।